सत श्री अकाल जी। लिविंग इंडिया देख रहे सारे दर्शकों नूं मेरे वल्लों यानी कि प्रीति पॉल दे वल्लों दिवाली ते बंदी छोड़ दिवस दीआं बहुत बहुत मुबारकां। ते अज असीं गल करांगे दिवाली दे इतिहास दे बारे। देश च दिवाली दा त्यौहार सब तों वड्डा त्यौहार मन्निया जांदा, फिर चाहे उह कोई भी धर्म होवे। सिख धर्म च वी इह त्यौहार बड़ी श्रद्धा दे नाल मनाया जांदा। वैसे तुहानूं सारिआं नूं पता ही है कि दिवाली दा त्यौहार असीं क्यों मनांदे आ, क्योंकि असीं सारे बचपन तों ही पढ़दे आ रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी इस दिन रावण नूं मार के सीता माता नूं लै के अयोध्या वापस परते सी। पर अज असीं तुहानूं दिवाली बारे कुछ होर खास गल्लां भी दसन जा रहे हैं कि दिवाली शब्द किवें बणिया, इसका इतिहास की सी, भारत समेत केड़े केड़े देशां च दिवाली मनाई जाती है ते सिखां च इह त्यौहार खास क्यों है। दिवाली शब्द की उत्पत्ति। दिवाली संस्कृत के दो लफ्जां दीप अते आवली तो बनिया, जिन्हां दा अर्थ है दीवियां दी लड़ी। संस्कृत लफ्ज दीप दा अर्थ है दीवा, प्रकाश, चिराग, ज्ञान जां कोई होर चमकदी चीज, अते आवली दा अर्थ है कतार, सीमा, निरंतर रेखा जां लड़ी। इह पंज दिनां दा जशन हर साल गर्मियां दी वाढी दी समाप्ति उपरंत पतझड़ दे शुरू विच मनाया जांदा है। इह हिंदू चंद्रमा जयंती दी सब तो हनेरी रात मनी जाती है। जशन अमस्या के दो दिन पहला शुरू हो जाते हैं अते दो दिन बाद लई जारी रहते हैं। कई विद्वाना के मुताबक इस तो बाद कत्तक महीने का अंत हुंदा है अते अस्सू महीने की शुरुआत हुंदी है। भारत च दिवाली का इतिहास दीप जलाण की प्रथा के पिछे वख-वख कारण ने अते कहानियां ने। हिंदू धर्म के मुताबक दिवाली का त्यौहार अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी दे वल्लों लंका के राजा रावण का अंत करके अयोध्या वापस परतन ते मनाया जाता है। उन्होंने परतन की खुशी च अज भी लोग यह त्यौहार मना रहे ने। कृष्ण भक्ति धारा के लोगों का मत है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अत्याचारी राजा नरकासुर का अंत किया। दिवाली मनाउण दी रीत कद अते किवें आरंभ हुई इस बारे कोई ठोस तथ्य सामने नहीं आउंदा, पर रिवायती अनुसार इह सदियां तों चलदा आ रिहा है। सदियां पहला श्री रामचंद्र राजे रावण ते जित दर्ज करके इस दिन अयोध्या वापस परत के आए सी। उन्हां दे मुड के आउण दी खुशी दे विच अयोध्या निवासियां दे वल्लों अपने घरां च दीपमाला कीती गई सी। मन्निया जांदा है कि उस दिन दिवाली मनाउण दी परंपरा दा मुड बज गया सी। भारत च किवें अते क्यों मनाई जाती है दिवाली। दिवाली का त्यौहार हिंदू, सिख, जैन अते कुछ बोधी लोगों के सब तो मुख्य अते अहम त्यौहारों के विचों एक है, जेड़ा नूर का त्यौहार वजो जाणिया जाता है। यह त्यौहार आम तौर पर कत्तक महीने के दौरान मनाया जाता है। दिवाली हनेरे ते चानन, बुराई तो चंगयाई अते अज्ञानता ते ज्ञान की फतेह का प्रतीक मनिया जाता है। इस त्यौहार ते आम तौर ते लक्ष्मी माता, गणेश, सरस्वती देवी दी पूजा कीती जांदी है। कई खेतरी परंपरावां दे मुताबक ए त्यौहार सीता ते राम, कृष्ण, दुर्गा, शिव, काली, हनुमान, कुबेर जी, जम जमना, धनवंतरी जां विश्वकर्मा दे नाल जोड़िया जांदा है। ए त्यौहार समूहिक अते व्यक्तिगत दोनां तरह दे नाल मनाया जाण वाला अजिहा विशेष त्यौहार है जो धर्म, सभ्याचार अते समाजिक विशेषता रखदा है। हर प्रांत या खेतर दे विच दिवाली मनाउण दे कारण अते तरीके वखरे वखरे ने, पर सारियां थावां ते इह त्यौहार कई पीढ़ियां तों मनाए जा रहे ने। लोकां च दिवाली दी बहुत उमंग हुंदी है। लोग अपने घरां नूं साफ करदे ने, नवे कपड़े पाउंदे ने, मिठाइयां ते उपहार खरीददे ने, इक दूजे दे नाल मिल के इह त्यौहार मनाउंदे ने। पंज दिनां दा त्यौहार हुंदा है दिवाली। परंपरागत तौर ते दिवाली पंज दिनां दा त्यौहार हुंदा है अते इस दी शुरुआत भारतीय उपमहाद्वीप च होई सी। इस दा उल्लेख मुढले संस्कृत ग्रंथा च मिलदा है। विजयदशमी तो 20 दिन बाद धनतेरस दे नाल दिवाली दे पहले दिन मनाया जांदा है। दूजे दिन नरक चतुर्दशी है, तीजे दिन लक्ष्मी पूजा दा दिन हुंदा है ते रिवायती महीने दी सब तो हनेरी रात मन्नी जांदी है। कुछ हिंदू भाईचारे अंतम दिन नूं भाई दूज वजो भी मनाउंदे ने, जिहड़ा रखड़ी वांग भैण अते भरा दे रिश्ते नूं समर्पित हुंदा है। जदों कि होर हिंदू अते सिख भाईचारे च इस दिन नूं विश्वकर्मा पूजा दे वजो मनाया जांदा है अते इस दिन अपने काम वालियां थावां ते पूजा कीती जांदी है। वख-वख धर्मां दे लोक वखरे-वखरे ढंग दे नाल मनाउंदे ने दिवाली।
भारत च कुछ होर धर्म भी दिवाली दे नाल नाल अपने अपने त्यौहार मनाउंदे ने। जैन अपनी दिवाली मनाउंदे ने जो महावीर की अंतिम मुक्ति की याद च मनाई जाती है। सिख बंदी छोड़ दिवस मनाउंदे ने जो गुरु हरगोबिंद सिंह जी मुगल की कैद तो रिहाई च मनाई जाती है। दूजे बोधियां दे उल्ट लक्ष्मी की पूजा करके दिवाली मनाउंदे ने, जदों कि पूर्वी भारत च बांग्लादेश दे लोक इस दिन काली माता की पूजा करते ने। बंदी छोड़ दिवस का की है इतिहास? दिवाली वाले दिन सिखां दे छेवें गुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ग्वालियर दे किले तो अपने नाल 52 कैदियां नूं रिहा करवा के अमृतसर पुजे सी। इस खुशी चे बाबा बुड्ढा जी दी अगवाई चे सिखां ने अमृतसर चे दीपमाला कीती सी। उस दिन तो लैके अज तक इस त्यौहार नूं बंदी छोड़ दिवस दे वजो मनाया जांदा है। श्री हरगोबिंद सिंह जी ने धारण कीती सी मीरी पीरी। श्री गुरु अर्जन देव जी की शहादत तो बाद श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी ने मीरी पीरी दिया दो तलवारा धारण करके श्री अकाल तख्त साहब की रचना की सी अते इसते लोकां दियां शिकायतां सुननियां शुरू कर दित्तियां सी। इन्हां गतिविधियां नूं मुगल सरकारां दे द्वारा बगावत मन्या गया अते गुरु हरगोबिंद साहब जी नूं ग्वालियर दे किले चे नज़रबंद कर दिता गया सी। सरकार ने शुरुआती सालां चे सिख संस्था चे आईयां तब्दीलियां वल्लों ध्यान नहीं दिता गया, पर जदों गुरु जी ने पैरोकारां दी गिनती वधन लगी तां अधिकारियां ने गुरु जी विरुद्ध शिकायतां भेजणियां शुरू कर दित्तियां। जहांगीर ने गुरु जी नूं गिरफ्तार करन दे लई अपनी निजी फौज दे विचों पैर रखन दे हुकम जारी कर दित्ते। 2 साल तो भी वध समय दे लई ग्वालियर दे किले च कैद सी गुरु जी। दस दईए कि श्री गुरु हरगोबिंद सिंह जी 2 साल 3 महीनों तक ग्वालियर दे किले च कैद सी। इस किले च 52 होर राजियां नूं भी कैदी बना के रख्या गया सी। गुरु जी नूं रोजाना दे खर्चे दे लई जो पैसे मिलदे सी ਉਹ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀਰਤੀ ਆਪ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ ਬਣਿਆ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਲੇ 'ਚੋਂ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਿਆਂ ਉਹ ਡਰ ਨਾਲ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਸਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਉਸਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ। उसने अपना पैरा कसिया अते कई हकीमा अते वैदा तो इलाज करवाया, पर ओह इस रोग तो छुटकारा नहीं पा सकिया। आखिर ओह साई मियां मीर जी दी शरण विच गया। साई जी ने कहा कि ये प्रभु दे प्यारे नू तंग करन दा फल है। साई जी ने उसनू विस्थार नाल समझाया कि श्री गुरु हरगोबिंद साहब जी रब दा रूप ने, तुसी पहला उसदे पिता जी नू शहीद कीता ते हुण उसनू कैद च रख्या। जहांगीर कहन लग्या कि साई जी जो पहला होया सी हो गया, पर हुण मैं इस रोग तों बचना चाहना। उन्हां दे कहन ते जहांगीर ने गुरु जी नू रिहा करन दा फैसला कीता। गुरु जी दी रिहाई दी खबर सुन के सारे राजे बहुत चिंतित हो गए, क्योंकि ओह जानते सी कि गुरु जी तो बिना उन्हां दी किते भी सुनवाई नहीं होवेगी। अगर गुरु जी भी किला छड़ के चले गए तो उन्हां दा की होवेगा। गुरु साहब ने इन्हां सारे राजियां नूं कहा कि ओह कब्र आउणा। गुरु जी ने वादा कीता कि ओह सारियां नूं जेल विचों रिहा करवा देणगे। गुरु जी ने कल्ला किला छड्डन तो इनकार कर दिता। 52 कनियां वाले चोले दा इतिहास। बादशाह सारे राजियां नूं छड्डना नहीं चाहुंदा सी, इस लई उसने कहा कि जो भी राजा गुरु जी दी बांह फड़ के जा सकदा है ओह किले तो बाहर जाण दी आग्या है। गुरु जी ने विशेष तौर ते अपने लई 52 कलियां वाला चोला तैयार कीता। फिर सारे राजे गुरु जी दे चोले नूं एक एक कली फड़ के बाहर आ गए। इस तरह गुरु जी ने अपने नाल 52 राजियां नूं भी रिहा करवा लिया। उस दिन फिर बाबा बुड्ढा जी की अगवाई दे हेठ समूह संगत ने गुरु जी दे अमृतसर साहब विखे आगमन पूर्व मौके दीपमाला कीती। उस दिन तो लैके अज तक अमृतसर चे दिवाली दा त्योहार बड़ी धूमधाम दे नाल मनाया जांदा है। इस दे लई ही कहा गया है कि दाल रोटी घर दी दिवाली अमृतसर दी। तां ए सी दिवाली दा इतिहास। पर पहला जिथे दिवाली सादे ढंग दे नाल मनाई जांदी सी, हुण उत्थे ही त्यौहार रिवायती सादगी अनुसार नहीं मनाया जांदा, सगों इस दिन लखां करोड़ां रुपए दीआं आतिशबाजियां चलाईआं जांदीआं ने ते मनाउण दा ढंग भी बहुत नुमाइशी हो गया। इन्ने वड्डे पद्धर ते आतिशबाजी चलाए जाण कारण जो प्रदूषण हुंदा है उस दी स्थिति इन्नी गंभीर हो गई है कि भारत दी
सर्वोच्च अदालत नूं निर्देश देने पए ने कि आतिशबाजी चलाउण दा समां सीमित कीता जावे। दिल्ली ते होर वड्डे शहरां च तां प्रदूषण इन्ना वध जांदा है कि सांह लैणा भी औखा हो जांदा। पंजाब च भी पटाके चलाउण दा समां निर्धारित कर दिता गया। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗ੍ਰੀਨ ਦੀਵਾਲੀ ਮਨਾਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾ ਫੈਲੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਰਹੇ। ਲਿਵਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ।